हेलो बच्चों, आई एम पुलिस मेरा फिजिक्स मेंटर। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 9 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, कहीं नहीं, छोटा करना चाहेंगे। चलो ठीक है सर। अरे भाई क्यों कर रहे हैं, हो रहा है से। चलो ठीक, पहला क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्ट एफ बराबर में क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी आई बी जे एंड बी नॉट के बी बी। चलो ठीक है, बोला है क्यू बराबर एक है, वी बराबर ये है और एफ बराबर ये है। अच्छा पूछा गया व्हाट विल द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बी। भाई इसके बारे में चर्चा करना वाला है, मतलब बी की फॉर्म में पूछना चाह रहा है, तो आपको बी और बी नॉट की दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। अगर एफ बराबर में आप जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी की बात करता है तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप ये भी जानते हैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो हमें मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ती है। आ जाओ, वैसे तो मैंने तरीका बताया हुआ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, पर हम मैट्रिक्स से करवा देते हैं कि बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो वी क्रॉस बी की बात करना स्टार्ट करते हैं। वी क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप, V क्रॉस B, V की वैल्यू क्या है, दो चार छः, दो चार छः। अच्छा B की वैल्यू हमें पता नहीं तो मतलब B B B नॉट की बात करेगा, B B B नॉट B B। चलो यह आएगा I खचक खचक चार B नॉट माइनस खचक छः B। वापिस आओ, देख ये काटा, रो और कॉलम की बात करते काट देते हैं, चार B नॉट छः B। अच्छा माइनस J गैप खचक खचक टू बी नॉट माइनस सिक्स बी प्लस खचक खचक टू बी माइनस फोर बी। अरे सर ये तो उल्टा हो गया, और यहाँ हटा रहे हैं इसको हम क्योंकि हमें चाहिए। देखो जरे क्यों कर रहा है के क्या, यह आएगा आई फोर बी नॉट माइनस सिक्स बी, कलर बदलो, अरे खेल लगा दिए कलर, ये लगाओ माइनस जे टू बी नॉट माइनस सिक्स बी माइनस फोर बी के कैप। ये बी क्रॉस बी की फॉर्म आ गई आपके पास। अच्छा एक बात बता, क्यू की वैल्यू वन है तो वन को मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कंपेयर कर सकते हैं आई जे के की फॉर्म में। अरे लाला काय दिक्कत कर रहा है, एफ बराबर में क्यू वी क्रॉस बी होता है। अच्छा समझ मानते हैं, अब देख एक स्टेप खा रहा हूँ, मुंह बोल के बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू वन से मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी दी है, वन दी हुई है। चलो कंपेयर करते हैं, कंपेयर। आ जाओ आई के साथ कौन है, फोर बी नॉट माइनस सिक्स बी बराबर में चार चलेगा। J के साथ क्या है, J के साथ माइनस है चलेगा, टू बी नॉट माइनस सिक्स बी, एक मिनट रुको इसको इधर कर रहा हूँ, आई वाला खत्म हो गया ना, टू बी नॉट माइनस सिक्स बी बराबर में बीस। और K के साथ क्या है, बारह बराबर में माइनस फोर बी। आ जाओ भाई यहां से b की वैल्यू आएगी माइनस चार तीय बारह, बारह के सही है, सही तो है। अच्छा ठीक है, कुछ गलती करी क्या, माइनस टू बी के की जगह क्या आएगा, माइनस चार बी बी क्या, तो ये आएगा, अरे दो भी आएगा भाई, तभी मैं कहूँ चक्कर क्या है, चार में से दो क्या, दो ही तो आएगा ना। अरे सर गलती, इतनी बड़ी गलती, मेजर मिस्टेक। अरे कोई नहीं, तो यह आएगा दो और यह आएगा दो छिक बारह माइनस छः आएगा। आ जाओ इस पे आओ, छः की वैल्यू माइनस क्या आई है, चार बी नोट यह आएगा छत्तीस प्लस का चार, चार बी नोट यह आएगा माइनस का बत्तीस और बी नोट आएगा चार आठ बत्तीस माइनस का आठ। फॉर्म चेक करते हैं क्या आएगी, बी नोट की वैल्यू माइनस छः है और बी की वैल्यू माइनस छः है, बी नोट की वैल्यू माइनस आठ है, तो आएगा माइनस सिक्स आई माइनस सिक्स जे माइनस का एट के, ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ थोड़ी सी अपने कन्फ्यूजन कर दी, गलती कर दी, माफी चाहते हैं। देख 2b माइनस 4b क्या आएगा, माइनस का 2b आएगा, हमने 4b ही लिख दिया था। देख सबसे पहले क्वेश्चन छोड़ दे सब कुछ, सर उसको नहीं छोड़ सकते, आ जाओ आ जाओ। देख क्या हुआ, हमने क्या करना था, देख क्यों v क्रॉस b की बात करते हैं हम फोर्स के लिए, हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा किया क्या किया, ये हमने v क्रॉस b करना था, मैट्रिक्स की फॉर्म में डाल दिया उसको, v क्रॉस b डालना स्टार्ट किया, तो हमारी वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में काट सकते हैं। अगर आप ax bx by करोगे तो भी सेम आएगा, दिखाएं क्या, चलो छोड़ो मतलब नहीं है उस चीज़ का, फिर तुम गलत कर दोगे उस चीज़ को। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, इस फॉर्म को हमने तोड़ा और इसे कंपेयर करना स्टार्ट किया, कंपेयर करना स्टार्ट किया तो हमारी वैल्यू किसके बराबर किसके आई, 4b नॉट माइनस 6b बराबर 4 की बात करेंगे, 2b नॉट माइनस 6b के बराबर 20 की बात करेंगे, और 12 बराबर में माइनस 2b की बात करेंगे, 4b की नहीं करेंगे। और b की वैल्यू आई माइनस 6 और b नॉट की वैल्यू आई कितनी, माइनस का 8, लगा दो ये माइनस है। अब देख यहाँ वैल्यू पुट कर, माइनस का 6 आई, माइनस का 6j, माइनस का 8 के आंसर ऑप्शन नंबर सी। माइनस का 6 वैल्यू भाई, ऑप्शन नंबर सी। एग्जांपल दो, एग्जांपल बड़े बड़े होते हैं जी, आंसर छोटे छोटे होते हैं जी, क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो बोला है एक मेटेलिक रोड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ की बात करें, m अपॉन l बराबर कितना दिया, 0.5 किलोग्राम पर मीटर, लाइंग हॉरिजेंटली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ओके विद क्या है, हॉरिजेंटल, थोड़ा ध्यान रखना जी, हॉरिजेंटल के साथ एंगल बन रहा है, इसमें चर्चा में विषय मत रखना, अगर इसमें दिक्कत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एक रोड के लिए बी की बात करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, आई एल बी फोर्स के लिए, ठीक है। द रोड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग ए करंट थ्रू इट व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज 0.25 टेस्ला इज एक्टिंग ऑन इट वर्टिकल डायरेक्शन द करंट फ्लोइंग इन द रोड कीप स्टेशनरी इज, आई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। चलो पहले डायग्राम दिखाते हैं, आ जाओ भाई, हॉरिजेंटल कोई बात करना चाह रहा है इस प्रकार से, सही है, क्या दिक्कत कर रहा है, ये वेट एम जी, ये आई एल बी, और बनने वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। कंपोनेंट काटने आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हो सीख लो, आ जाओ ये परपेंडिकुलर और इसका नीचे बेस वाला बात करते हैं, सीधा बता दूं, ये आएगा आई एल बी कॉस 30 डिग्री और ये आएगा एम जी साइन 30 डिग्री, दोनों को बैलेंस कर सकते हो, इसको इधर मोड़ दो, इसको इधर मोड़ दो, ये भी एंगल कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, चेक कर सकते हो। अरे ये तो आते हैं, कितनी बार बनवाए हैं यार, क्यों कर रहे हो ऐसे, चलो ठीक है, दोनों को बैलेंस कर रहा है, आई एल बी कोस 30 डिग्री बराबर में एम जी साइन 30 डिग्री, आई पूछा है तो आएगा एम जी साइन 30 अपॉन में एल बी कोस 30। एम जानते हो, नहीं जानते सर, एम अपॉन एल जानते हैं, बिल्कुल सही बोला, कितना दिया है 0.25 नहीं 0.5 दिया था शायद, हाँ गजब बात कर दी, अलग कर दे इसको, तन्हाई में जिएगा ये, चलो कोई बात नहीं सर, हम भी तो जी रहे हैं। 0.5 9.8 0.25 10.30 काट पीट के जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11.32 एम्पियर। अरे पूरा नहीं करवा सकते, काट पीट बहुत ज़्यादा है, क्या दिक्कत करो, सही चर्चा है। अरे दोनों को काटो, उड़ाओ उसको, उड़ाओ 98.5 कर दो, आंसर आ जाएगा, चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहती है पब्लिक, 11.32, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1/√3 क्या दिक्कत, हो गया। अच्छा डायग्राम बढ़ाया, अरे सर क्या बात करते, आई एल बी एम जी ऊपर वर्टिकल, बी निकाला एम जी साइन थीटा, एल बी कॉस थीटा, इसको वर्टिकल 30 डिग्री एंगल घुमा दो, साइन की वैल्यू एम जी साइन 30 डिग्री और उसके एल बी, बताया हुआ है क्वेश्चन, सेम करवाया हुआ है। और ये फ्रिक्शन में कितने क्वेश्चन करवाए हैं भाई ऐसे, चल कोई नहीं। व्हेन ए प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूम इट स्टार्ट विद इनिशियल एक्सेलेरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, ओके। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड वी नॉट इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलेरेशन कितना है, 3a0 की बात, 3a0 की बात करेगा, टूवर्ड्स वेस्ट, हाँ
द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द रूम। भाई क्वेश्चन तगड़ा है। अच्छा पहला जो है वो क्या बोल रहा है, जो हमारा प्रोटॉन है मतलब प्रोटॉन पे चार्ज है, उसको छोड़ेंगे तो बराबर क्यू की बात करना प्रारंभ करेंगे, क्या दिक्कत कर रही। पहले के लिए जो एक्सेलरेशन दिया है वो कितना है, ए नोट है। चलो पहले इस पर बात करते हैं। F1 बराबर में क्यू ई, केस पहला लिखो, केस प्रथम फर्स्ट क्या बोला है, F1 बराबर क्यू ई। अच्छा जब क्यू ई मतलब प्रोटॉन की बात कर रहा है, पी लिख दो, क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा मैंने बोला कि स्टार्ट एंड इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, ए नोट। क्या बोलता है द्वितीय नियम, किसका, न्यूटन का। क्या बोलता है, एम ए नॉट बराबर में क्यू ई की बात करेंगे, यानी कि क्यू बराबर में एम ए नॉट अपॉन ई की बात करेगा, या ई बराबर में आएगा बेटा एम ए नॉट अपॉन में क्यों। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई राजा, क्या दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, पर अभी ये क्या है, वेस्ट की बात कर रहा है। हाँ अभी वो बोलना चाह रहा है, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड वी नॉट की बात करना चाह रहा है, इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलेरेशन थ्री ए नॉट की बात कर रहा है। अब दो फोर्सेस की बात करना स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से, एफ वन और एफ टू का, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी तो लग रहा है। केस द्वितीय सेकेंड दूसरा, चलो F1 प्लस F2 दोनों फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाले की बात कर रहे हैं, नॉर्थ की बात कर रहे हैं, और इसके लिए एक्सेलरेशन क्या है, 3 एम ए नॉट। इसकी वैल्यू क्या है, एम ए नॉट प्लस F2 बराबर 3 एम ए नॉट, और F2 बराबर में क्या आएगा, 2 एम ए नॉट। सही चर्चा है। और F2 क्या है, क्यू वी नॉट बी, 2 एम ए नॉट, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एम ए नॉट अपॉन में क्यू वी नॉट। चेक कर सकते हैं वैल्यू क्या आ गई, डिक्रीजिंग की बात करना स्टार्ट करेगा और नॉर्थ की बात करना स्टार्ट करेगा, 2 एम ए नॉट अपॉन क्यू वी नॉट डाउन की बात कर रहा है, एम ए नॉट ई की बात करेंगे, वेस्ट की बात करना स्टार्ट करेगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा नाराज हो रहे हो, क्यू बराबर ई कहीं नहीं लिया, अरे ले लो भाई, चार से क्या फर्क पड़ता है उससे, अरे बोला था ना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक बात है, समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर भी दिखा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन ए नोट है, व्हेन प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रस्ट इन द रूम स्टार्ट विद इनिशियल एक्सेलरेशन ए नोट टुवर्ड्स वेस्ट, एफ वन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, तो नाम नाम लिखे हुए हैं, एफ वन की वैल्यू क्यू ई आ गई, एम ए नोट की वैल्यू की अलोंग क्या है, वेस्ट की बात करना स्टार्ट करें, क्योंकि नीचे की बात कर रहे हैं। अरे क्या हो गया, के सेकेंड क्या है, अच्छा अब देख दो, 3 एम ए नोट की बात करें, एफ वन प्लस एफ टू, ये इसका फोर्स था, एम ए नोट की बात कर रहा है, और ये हमें 3 ए नोट की वैल्यू बना के दी हुई है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या था, क्यू वी बी, क्यू वी नॉट दिया, क्योंकि वी नॉट गिवन है हमें, तो वैल्यू क्या आई, डाउन की बात करना स्टार्ट कर दे नीचे की ओर। दोनों आसान चीज़ें दोनों बता दिए, इससे ज़्यादा कुछ फील नहीं आ सकता अगर, हाँ ठीक है कोई नहीं सर। चौथा लें, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड 2^-4 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। एक इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, छोटा क्यों गया पहले बताऊं उसको, एक वायर है, करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है 2×10^-4 की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, करंट ऊपर जा रहा है, बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की ओर बात करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर मूव विद द वेलोसिटी क्या है, 10^-7, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है अलोंग परपेंडिकुलर टू दैट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन विल बी, अरे भाई इसमें ऐड हो गए क्या,
सर जिंदगी है कुछ पता नहीं लगता। फोर्स क्या होगा? क्यू बी पी परपेंडिकुलर साइन 90 के लिए जीरो हो जाएगी। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 की पावर -19। वी कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर ऑफ द वायर की बात करना स्टार्ट करेंगे और 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर वेलोसिटी कितनी है? 10 की पावर 7। और बी की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 7। और बी की वैल्यू कितनी है? 2 10 की पावर -4। सही चर्चा। चलो ठीक है, काट पीट करके वैल्यू आएगी आपकी 1.6 10 की पावर 19। 19 और 4 कितने हो गए? 23। 23 में से 7 गए, 4 और 3 7 16, 10 की पावर -16। और ये आएगा 3.2 10 की पावर -16। आंसर मिल रहा है क्या तुम्हें? 3.2 10 की पावर -16। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चेक कर सकते हो। फिर वही चर्चा, ई को पी को ई मान लिया, सॉरी क्यू को ई मान लिया तो काई दिक्कत है? चार तो चार चाहिए ना, कोई दिक्कत तो शायद दुविधा नहीं होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था, बाकी जो टर्म्स थे वो घुमाने के लिए दी थी, बाकी कुछ भी नहीं है। वी की वैल्यू मिल नहीं रही थी हमें तो। 13 पूछा का क्वेश्चन है, एफ बराबर में ई वी बी साइन थीटा परपेंडिकुलर, भाई बता दिया आपको मैंने 90 की वैल्यू बन आएगी। सही चर्चा है, वाकिफ हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। 5 एग्जाम्पल, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। एक सर्टेन रीजन की बात कर रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन द इलेक्ट्रॉन विल टर्न टू वर्ड्स राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड विल डिक्रीजेज, स्पीड विल इंक्रीजेज, विल टर्न टू वर्ड्स द लेफ्ट ऑफ डायरेक्शन। आ जाओ मेरे साथ, थ्योरी पढ़ो पहले। क्या बोला है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड यूनिफॉर्म की बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो फर्क नहीं पड़ता, इतना चिल्ला कह रहे हो? ये ले, पर काहे बेटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। साफ साफ बोला है सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू 0 है। तो पूछ रहा है आप बताओ फील्ड की इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब टोटल की बात करना चाह रहा है। ऐसे बोलेंगे एफ बराबर में एफ ई या एफ नेट बोल सकते हो, एफ बी, और एफ बराबर में क्या आएगा? माइनस ई आएगा। इसका मतलब क्या है? स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज करना स्टार्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, वापिस आ जा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ही फर्क पड़ता है भाई, उसमें कोई एंगल वेंगल की बात करते नहीं ई के लिए। एफ बराबर में माइनस ई की बात कर रहे हैं, चलो ठीक बात है। अब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, अब वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में। अरे सेम का मतलब 0 डिग्री एंगल भाई, बात तो सर गजब करी पर समझ कुछ भी नहीं आई। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? सेम बात तो करी, एफ ई प्लस एफ बी की बात करें माइनस ई, फील्ड ऑपोज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? फील्ड डिक्रीजेस आएगा। वाकिफ मानते हो या नहीं मानते ये बताओ पहले तो। बढ़िया चल रहा है काम, चलो ठीक है। एग्जाम्पल से बोला है आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है एंड ए पार्टिकल विद सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू ए कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल फील्ड बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस आर एच अपॉन आर अल्फा। देखिए यहां से पता लग जाएगा, गलती के चांस दिख जाते हैं। देख क्या होता है, आर की जो वैल्यू होती है वो होती है एम वी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी लिख सकता हूं। वो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कॉन्स्टेंट है। सही चर्चा है। अब मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, साफ साफ बोला सेम मोमेंटा की बात कर रहा है, तो क्या बोलती है पब्लिक? 1 अपॉन क्यू कर दे।
तो अगर बोले आर एच अपॉन आर एल्फा की बात करेंगे तो ये आएगा क्यू एल्फा अपॉन क्यू एच, यानी कि 2/1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अरे ऑप्शन नंबर बी काहे लगाया सर, क्योंकि अल्फा और हाइड्रोजन के चार्ज की वैल्यू ट्वाइस ऑफ अल्फा के हाइड्रोजन के बराबर होती है ना भाई, ऑप्शन नंबर बी सही बात। यार ये क्या चाहता है, आर अल्फा अपॉन आर एच है, सॉरी आर अल्फा आर एच अपॉन आर अल्फा है, तो आर एच अपॉन, मैं वापिस करता हूँ, आर एच अपॉन आर अल्फा की बात करेगा तो ये आएगा क्यू अल्फा अपॉन क्यू एच की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, कोई दिक्कत नहीं, आर एच अपॉन आर अल्फा, क्यू अल्फा नहीं, गलती कर दी, आर अल्फा, सही चर्चा है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ सही बात है। ठीक है अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, एक प्रोटोन एंड एक अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है बात कर रहा है, बोथ एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड ऑफ बी, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल इक्वल एंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटोन 1 MeV। थोड़ा छोटा कर रहे हैं, पहले समझा देते हैं पूरी चीज। एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, राइट एंगल्स की बात करना चाह रहा है, रेडियस ऑर्बिट बोथ पार्टिकल्स क्या है, इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन 1 MeV की बात करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा की बात पूछ रहा है, के की बात करते हैं तो वैल्यू होती है क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन में 2m। चलो ठीक बात है सर, के अल्फा की बात करना चाहोगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, q अल्फा का स्क्वायर b r अल्फा का स्क्वायर अपॉन में 2m अल्फा। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, kp की बात करना चाहोगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, qp का स्क्वायर b rp का स्क्वायर और 2mp। सही चर्चा, सही चर्चा, बढ़िया चर्चा। पूछा क्या है भाई, पूछा है एनर्जी एक्वायर्ड अल्फा पार्टिकल की बात करें, अल्फा को रखो ऊपर बाकी को रखो नीचे, के अल्फा अपॉन के पी, और के पी की वैल्यू 1 MeV गिवन है। चलो बढ़िया बात है, क्यू अल्फा अपॉन में क्यू पी का स्क्वेयर ओके, आर अल्फा अपॉन आर पी का स्क्वेयर बढ़िया, और एम पी अपॉन एन अल्फा, और बेचारा तन्हाई में कोई स्क्वेयर नहीं। अब तो क्या ही है, अब तो सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं है। सही चर्चा है, इसका वैल्यू 2 × 1 और इसका वैल्यू 1/4, सॉरी एम नीचे है ना, 4 की बात करता है, अरे इसका 1 लिख दो, काहे दिक्कत कर रहे हो लो, ये आएगा 4 × 4 मतलब 4/4 1, तो ये के अल्फा बराबर में के पी इंटू 1, यानी कि के अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 MeV। वैल्यू बराबर है जी आर अल्फा और आर पी की, चेक कर सकते हो। वैसे तो इसको बराबर है, काट दे काय दिक्कत कर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ऑप्शन नंबर बी लगाया ना, लगाया ही नहीं, अरे वाह, इसके लिए मिलेंगे आपको 1 रुपए की टॉफी, आओ, अरे काय करना है, ये मतलब ही नहीं है, जब अल्फा की वैल्यू रखी और आई इवन इवन, चलो सही, अच्छा चलाक पहले ही रख दिया, कोई क्या मतलब। एग्जाम्पल 8 बोला है, एक प्रोटॉन कैरिंग लास्ट है 1 MeV एनर्जी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब सर्किल ऑफ सेम रेडियस। ले भाई समझ इस चीज़ को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देख जब भी घूमने वामने की बात आनी स्टार्ट होती है तो हम सर्कुलर सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ एफ सी बराबर में एफ एम बराबर में और क्या आएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर बराबर में क्यू वी बी, मर गया, यह आएगा एम वी अपॉन क्यू बी बराबर में आर। अच्छा समझ,
अब इसमें सारी चर्चाएं बराबर हैं। कैसे? साहब बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्किल फॉर सेम रेडियस। रेडियस की वैल्यू भी सेम है। अगर मैं बोलूं इसको पी अपॉन में क्यू बी चलेगा, अगर मैं इसको बोलूं टू एम के अपॉन क्यू बी तो भी चलेगा। बोलना क्या चाहना चाह रहे हो सर आप? तो हम काइनेटिक एनर्जी के साथ चाह रहे हैं, तो बाकी को छोड़ो ना फिर। आर अल्फा अपॉन आर पी इक्वल टू रूट में के पी अपॉन के अल्फा। अरे उल्टा लिख दिया रे, के अल्फा अपॉन के पी। देखो ना प्रोपोर्शनल में। अरे कुछ फर्क नहीं सर, ये आपने क्या कर दिया। आ जाओ मेरे संग, दो एम एक बटा दो एम वी स्क्वेयर मर गया। कितना आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब एम वी ये और ये, सांप सही बात है। चलो ठीक बात है सर। अच्छा दोनों की रेडियस बराबर है, ये अल्फा है भाई, मतलब वन अपॉन वन की बात कर सकते। अरे एक ही बात है, आर अल्फा या नीचे रख दो, वन अपॉन वन तो हो जाएगा। के अल्फा अपॉन के पी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर कर दिया मैंने पहले। तो अल्फा की पूछ रहा है, तो के अल्फा बराबर में वन के पी की बात करेगा, और के पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आंसर कितना आया, वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलो बढ़िया, ओके ओपे। अरे अरे गलती गलती गलती, अच्छा पूरे चैप्टर में गलती नहीं आई तो क्या हो गया, इसमें आ गई तो हो जाता है कई बार, टेपिंग मिस्टेक हो जाती है। मानते हो, मानना पड़ेगा, आंसर चेक करो। चलो भाई बढ़िया तरीके से कर रहे हो तो काम बढ़िया बनेगा, नहीं कर रहे हो तो काम खराब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात माने हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।